For that, with these words, sir, I support this bill. Thank you, Honorable G.K. Vasan ji. Mani Kailash Soni ji. Mani Kailash. धन्यवाद माननीय उपसभापति जी. मैं आज इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ. 5 मिनट है आपका सोनी जी. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2023 मान्यवर 30-35 साल से मैं कोऑपरेटिव से जुड़ा हूँ. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और जिले के सहकारी बैंक में भी आज इतना महत्वपूर्ण बिल जो हिंदुस्तान की 60% आबादी को प्रभावित करता है, इंडियन ग्रामीण इकोनॉमी की रीढ़ यदि कोई चीज है तो यह सहकारिता है. एक के लिए सब और सब के लिए एक, बिना सहकार नहीं उद्धार. और इसके लिए हम सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने कोऑपरेटिव को और उसकी उपयोगिता को समझ करके अलग विभाग खोला. न केवल विभाग खोला, हिंदुस्तान के सबसे टेक्निकल आदमी को, और मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूं, सारी कोऑपरेटिव प्रांत की सोसाइटियों को मैंने देखा है. गुजरात यथार्थ में आज अव्वल है, महाराष्ट्र से भी ऊपर आज कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में, सहकारिता के मामले में गुजरात का स्थान श्रेष्ठ स्थान है. और वहां से आने वाले सबसे भिज्ञ कोऑपरेटिव के सेक्टर में ऐसे माननीय अमित भाई शाह को यह विभाग दिया. इसके पहले भी कोऑपरेटिव पूरे देश में इतना महत्वपूर्ण विषय पूरे देश में दम तोड़ रहा है. अटल जी के समय भी इसकी चिंता हुई. प्रोफेसर बैजनाथन के अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया. और आज हम साधुवाद देना चाहते हैं माननीय अमित शाह जी को कि माननीय बैजनाथन आयोग की जो भी सिफारिशें थी उन सारी सिफारिशों को इस संशोधन बिल में समाहित किया गया है. जितने भी आजादी के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर में जो खंदकें थी, जो खाइयां थी, जो कोऑपरेटिव को निगल रही थी, ऐसे सारे कानूनों को संशोधित करके नए रूप में और पूरे हिंदुस्तान के स्तर पे ये बहुराज्य सहकारी विधेयक है, संपूर्ण राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप. और आप सब ने भी अनुभव किया, पूरे देश ने अनुभव किया है कि ये कोविड के समय में जब सारा हिंदुस्तान थम गया तो ये हमारा गांव चलता रहा, ग्रामीण इकॉनमी चलती रही, उसको सशक्त बनाने से ये आत्मनिर्भर हिंदुस्तान का रास्ता साफ होगा. और इसके लिए एक डेमोक्रेटिक सारे तरह के जो अवरोध हैं उनको समाप्त करके और ये नए स्वरूप में जो कोऑपरेटिव की आत्मा के रूप में काम करेगा, ऐसा संशोधन बिल अभी ये प्रस्तुत किया है. इसमें सभी तरह का विचार, पारदर्शिता, वहां पे टोटल उसका जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसकी जो कोर पूर्ति है, उसका जो पंजीकरण है, उसका जो ऑडिट है, और उसमें समय समय पर जिस तरह के अधिकार टोटल मेंबरों को दिए हैं कि पहले कोई जमाने में किस तरह से कोऑपरेटिव की दुर्दशा की है हिंदुस्तान भर में, कि कैसे कैसे चुनाव कोऑपरेटिव में कराए हैं और पुश्तैनी हो गए, जो एक बार बन गया फिर वो हटता नहीं है. इस सब को देख करके उनमें संशोधन करके गणपूर्ति और इन सारे दोषों को दूर करने के लिए ये विधेयक प्रस्तुत किया है. और इससे सारे हिंदुस्तान के ग्रामीण इकॉनमी की तरक्की का रास्ता साफ होगा. बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पे जिससे सारे हिंदुस्तान का भाग्य जुड़ा है, 60% आबादी का भाग्य जुड़ा है, इस विषय को छोड़ करके और ये कैसा पोजीशन है.
आज सारा देश इसकी चर्चा करेगा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे, और इसने प्रमाणित कर दिया कि ये हमारा विरोध इनका जन सरोकारों से कुछ लेना देना नहीं है। इनका केवल अपनी राजनीतिक अभिप्सायें पूरी करने के अलावा जनता के हितों से इनका कोई संबंध नहीं है। और ये भूल गए हैं कि अब ये 75 साल की आजादी के हो चुके हैं। जनता नेताओं से, इन नेताओं से बहुत ज्यादा समझती है, और इसलिए विषय पर बहुत अच्छा आज है। आज ये इतिहास लिखा जाएगा कि कोऑपरेटिव बिल पे ऐसे लोगों ने बहिष्कार किया है। आज मैं इस बिल के लिए माननीय सहकारिता मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, हमारे बीएल वर्मा साहब का, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, और अपना कथन समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय सोनी जी।